हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग का कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। एंड काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही है, उसी प्रॉब्लम का लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको डेमो दिखाऊंगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग के अंदर एक लिमिटेशन है कि आप जैसे हम अपने इस पे चलते हैं कि अगर आपको फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर दी, ये रहा फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग का कोड, तो आपको ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर लगाने होते हैं। जरोधा के अंदर भी सेम है कि ब्रैकेट एंड कवर लगाने होते हैं, अपस्टॉक के अंदर भी सेम है, ब्रैकेट एंड कवर लगाने होते हैं। अब मेन थिंग ये है कि अगर हम फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर लगाना होता है। एंड ब्रैकेट और कवर ऑर्डर लगाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें एसएलएन टेक प्रॉफिट डालना होता है। अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो एसएलएन टेक प्रॉफिट होता है, और कवर होता है तो एसएल होता है। पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे यूज़र हैं जो ना विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट टेक प्रॉफिट फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग होती क्या, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर मैंने ना एक वीडियो पहले बना रखी है, ये रही यहाँ, ये वीडियो फुली एल्गो ट्रेडिंग लाइव डेमो इन फायर। तो थोड़ा सा आपको वो व्यू दे देता हूँ। फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग ये होती है कि अगर कोई बाय सिग्नल आता है, आपकी 100 क्वांटिटी बाय हो जाती है, देन सेल सिग्नल आता है, तो आपकी ओल्ड जो ट्रेड होती है वो क्लोज होती है और नई सेल डल जाती है। फिर बाय आता है तो आपका क्या होता है, सेल क्लोज होती है और बाय डल जाती है, मतलब रिवर्स होती रहती है ट्रेड विदाउट आपके कुछ करे, और पूरे दिन वो चलती रहती है। इसे कहते हैं फुल्ली ऑटोमेशन, और ये पॉसिबिलिटी ओनली फॉर कवर एंड ब्रैकेट के अंदर ही है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि एसएल डालना जरूरी है, टेक प्रॉफिट डालना जरूरी है। जैसे आपको पता होगा ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर के अंदर क्या चीजें कंपलसरी होती है, बट हमारे यूजर को चाहिए कि वो विदाउट एसएल और विदाउट टेक प्रॉफिट और फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करे। तो इसका मैं आपको है ना पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बता सकता, पर एक अल्टरनेटिव बता सकता हूं। इससे आपको वन टाइम एक बार ये चीज कर लोगे तो पूरे दिन आपकी फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग होती रहेगी। और वो कैसे होती रहेगी वो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ भी पार्ट मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने अभी एज अ डेमो के लिए एसबीआई का चार्ट खोल लिया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और फुल्ली ऑटोमेशन के लिए मैं कोई भी इंडिकेटर ले लेता हूँ, तो अभी के लिए मेरे को जो बेस्ट लग रहा है, मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को सुपर ट्रेंड लेना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड फेवरेट पर जाता हूँ और अपना एक सुपर ट्रेंड निकाल लेता हूँ, जिससे मैं सुपर ट्रेंड पर ट्रेड करके आपको फुली ऑटोमेशन से दिखा सकूँ। तो मैंने जैसे सुपर ट्रेंड ऐड करा, यहाँ बाय सेल के सिग्नल शो हो रहे हैं, पर ये बाय सेल के जो सिग्नल शो हो रहे हैं ये बहुत दूर दूर से हो रहे हैं और वीडियो बन जाएगी लंबी। तो मैं इसका इनपुट चेंज कर देता हूँ जिससे ये फास्ट सिग्नल देने लगे। तो ये बाय डिफॉल्ट 22 और 1 पे है, 3 पे है, तो मैं इसे कर देता हूँ 1 1, जिससे ये और ज़्यादा फास्ट सिग्नल देने लगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब पहले से फास्ट सिग्नल देने लगा है और बहुत ज़्यादा गलत भी देने लगा। हमें गलत सही से मतलब नहीं, हमें फुल्ली ऑटोमेशन से मतलब है। अब एक एज अ एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये कल का दिन है और आज का दिन अब शुरू होने वाला है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो आज का दिन है उसमें ट्रेड कौन सी आएगी। तो मुझे पता आज के दिन में पहला जो सिग्नल आएगा वो सेल का आएगा, तो सेल पे मेरा सेल होगा। तो हमें क्या करना है, लाइव देखिए आप, इधर जाना है। ये जो डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको जरोधा अकाउंट पे दिखा रहा हूँ। ये चीज आप फायर्स के लिए कर सकते हैं, आप स्टॉक के लिए कर सकते हैं, जरोधा के लिए कर सकते हैं। तो मैं जरोधा पे गया, रेगुलर ऑर्डर लिया, एसबीआई डाला, एसबीआईएन, ये सेंटेक्स बनाने का एक जनरेट टूल है जिसमें मैं सेंटेक्स बना रहा हूँ। एनएससी डाला, क्वांटिटी 1 डाला एंड सेल डाला, क्योंकि पहला सेल सिग्नल आएगा। मार्केट ऑर्डर डाला, एमएसआई डाला, कोड कॉपी। तो ये मेरा कोड कॉपी हो गया। अब मैं जाता हूँ और सेल की कंडीशन के अंदर डाल देता हूँ। मैं सेल की एक कंडीशन बनाता हूँ। कंडीशन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इधर कंडीशन बनाऊंगा, भाई सुपर ट्रेंड आए और सेल का सिग्नल आए, और ये इंडिकेटर रीपेंट होता है इसलिए वंस पर बार कर दिया कि कंफर्म हो जाए कि सेल का सिग्नल है, देन ये क्वांटिटी सेल कर दें। तो यहां पर मैंने सेल का कोड डाल दिया। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये ऑटोमेशन में जब भी काम करेगा जब इसमें मैंने वेबबुक यूआरएल डाला होगा। तो आप नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ दो यूआरएल होते हैं, ये आपका रियल ट्रेडिंग का यूआरएल है, ये आपका पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल है। तो हमने रियल ट्रेडिंग का यूआरएल डाल दिया। तो अब हम चलते हैं दोबारा से, मैंने यूआरएल पहले से ऐड कर रखा है, इसे सेव कर दिया। और इत्तफाक की बात है, जैसे हमने सेव करा सेल का सिग्नल बन रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो हमने जो सेव करा है वो इधर आ जाएगा, अलर्ट्स आएगा तो हमारा सेल हो जाएगा। तो अभी जरोधा के अकाउंट में आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं है, पोजीशन के अंदर दिखा देता हूँ, कोई भी पोजीशन नहीं है। फटाफट अभी हमें एक काम करना है, अभी हमें बाय का ऑर्डर बनाना है। तो इधर गए हम और एक बाय का ऑर्डर बनाया। तो बाय के ऑर्डर के लिए मैं क्या करता हूँ, जरोधा पे क्लिक करा, रेगुलर पे क्लिक करा, एसबीआई पे क्लिक करा, एसबीआईएन, एनएससी, थोड़ा सा मेरे को फास्ट दिखाना होगा। बाय करना चाहता हूँ मैं एक, ये बाय करा, मार्केट ऑर्डर करा, एमसीएक्स लिया, ये हो गया हमारा कॉपी। इस कोड को मैं क्या करता हूँ,
इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो सेल ऑर्डर है, जब सेल हो जाए, जब बाय का सिग्नल हो, तो वो पहले पुरानी पोजीशन क्लोज और नई पोजीशन मेरी बाय की डल जाए। तो इसके लिए मैंने ये कोड को क्या करा, इधर से लेके इधर तक कॉपी करा, स्टार्टिंग के और लास्ट के जो ब्रैकेट है उसको मैंने कॉपी छोड़ दिया और ये चीज कॉपी करी। कॉपी करने के बाद मेरे को इसके अंदर जो लास्ट का ब्रैकेट है एक कोबा डालना है और इस कोड को डाल देना है। ये कोड मैं बता रहा हूँ कि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करे, जो मेरा बाय का ऑर्डर है, सेल का ऑर्डर है, उसे कैंसिल करे। अच्छा, एक गलती होगी मेरे से लगता, एक मिनट में चेक कर लूँ कि इस पे सेल क्यों लिखा आ रहा है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ था, अब कॉपी कर रहा हूँ मैं, वो है ना पहले वाला ही कोड कॉपी हो गया था। दोबारा से मैं इसे इधर डालता हूँ एंड एक ब्रैकेट डालता हूँ इधर, पहले से मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना, स्टार्टिंग का ब्रैकेट और लास्ट का ब्रैकेट हमें नहीं यूज करना। कॉपी कर लिया मैंने एंड मैंने यहाँ पर ये डाला एंड ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने एक कोड बना दिया कि भाई पुराना ऑर्डर कैंसिल हो, नया ऑर्डर डल जाए। अब फटाफट इधर गया एंड ये देखिए, वो सेल का सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए इधर ऑर्डर नहीं आया, इसलिए हमने वंस पर बार क्लोज डाल रखा था और रीपेंट हो रहा है इंडिकेटर। तो सिग्नल जब कंफर्म होगा, जब भी हमारा अलर्ट्स आएगा, जब भी हमारा ऑर्डर लगेगा। देखिए यहाँ कोई अलर्ट्स आया ही नहीं, तो ऑर्डर लगा ही नहीं। तो अब दोबारा से देख लेते हैं, अब बाय का कोड बनाते हैं हम, वॉच इस पर क्लिक करेंगे एंड सुपर ट्रेन बाय का जब सिग्नल आए वंस पर बार क्लोज, इसी की वजह से वो कंफर्म नहीं हुआ था। अगर ये चीज़ नहीं करता तो अलर्ट्स लग जाता है क्यों, तो इसको करने से क्या होता है, रीपेंटिंग जो होती है इंडिकेटर के अंदर वो सॉल्व हो जाती है। ये कोड डाल दिया, अभी इस कोड को मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। अब मैंने दोनों कोड डाल दिए और दोनों अलर्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब होगा क्या, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जब सेल का सिग्नल आएगा तो मेरी एक क्वांटिटी सेल हो जाएगी, एज ए एग्जाम्पल मैंने एक क्वांटिटी ली है। फिर बाय का सिग्नल आएगा तो मैंने क्या कर रखा, मैंने बोला कि भाई जो मेरी एक क्वांटिटी सेल हुई थी वो वापस बाय हो जाए। वापस बाय मतलब स्क्वेयर ऑफ एक को सेल करूंगा और फिर बाय करूंगा तो क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगी और फिर भाई मेरी एक क्वांटिटी सेल बाय की दोबारा डल जाए। तो ये हो गया मेरा फुल्ली ऑटोमेशन कोड, मैंने डाल दिया आपके सामने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा नए यूजर के लिए, जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें सारी चीजें समझ आ रही होगी, बट अब अभी भी फुल्ली ऑटोमेशन नहीं हुआ। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको लाइव जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इसके अंदर बिल्कुल चीजें काट दूं, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता कब तक सिग्नल आएगा और वीडियो बन जाएगी लंबी। और अगर हम वीडियो को देखें तो अभी ये देखिए 7 मिनट की वीडियो बन गई है और अभी तक सेल का सिग्नल नहीं आया। तो अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे सेल का सिग्नल आता है हमारी एक क्वांटिटी सेल हो जाती है, क्योंकि हमारा पहला सिग्नल सेल है। बाय का सिग्नल आता है तो हमारा क्या होता है कि पुरानी पोजीशन क्लोज होती है और नई पोजीशन से हमारा बाय हो जाता है। हाँ भाई, एक क्वांटिटी से बाय हो गया जो भी आपने डाला। अब क्या है कि हमारा जो सेल का सिग्नल था उसमें हमने कोड डाल रखा था सेल का 1 का, उसको हमें चेंज करना है। तो मैं दिखा देता हूँ सेल का कोड हमने क्या डाला था। ये रहा हमारा कोड, ये नहीं, ये फर्स्ट ये वाला है, ये रहा हमारा वो कोड, सेल का कोड। जब हमारा सेल का सिग्नल कंप्लीट हो जाता है, हमारा फर्स्ट सिग्नल कंप्लीट हो जाता है, देन हमें क्या करना है, हमें इस कोड को मॉडिफाई करके दोबारा से पेस्ट करना और पूरे दिन हमारा ऑटोमेशन होता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारी बाय की ट्रेड है सबसे पहले वो क्लोज हो। क्लोज कैसे होगी, वो सेल करने पर क्लोज होगी और नई सेल की ट्रेड डल जाए। तो मेरे को क्या करना है, आगे का ये ब्रैकेट छोड़ देना, स्टार्टिंग का और लास्ट का, और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर मेरे को डाल देना है ये और फिर कोड को पेस्ट कर देना। तो अब ये कोड बन गया है और इस कोड के अंदर ये बनाए कि पुराना ऑर्डर आपका क्या हो, कैंसल हो और नया ऑर्डर डल जाए। बट ये कोड कब डालना है, ये कोड जब डालना है जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म हो जाए। तो वेट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं लाइव, इसको मैं बंद कर देता हूं एंड हाँ अब मैं आपको दिखाता हूं। तो वेट करते हैं हम थोड़ी सी देर सेल के सिग्नल का, एंड जैसे सेल का सिग्नल आता है तो मैं आपको दिखाता हूं। लाइव मार्केट मॉनिटर वो चल रहा है एंड मैं इस टैम को भी लगा देता हूँ इधर साइड में कहीं, जिससे आपको दिखता रहे जैसे सेल। और हाँ, एक चीज़ तो दिखाना भूल गया, यहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हो कोई भी अभी ऑर्डर नहीं आया हुआ पोजीशन के अंदर, ना ही इसके अंदर ऑर्डर के अंदर। तो जैसे सेल का सिग्नल आएगा तो हमारा सेल हो जाएगा। फुल्ली ऑटोमेशन दिखा रहा हूँ इसके अंदर, बस मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको क्या करना होता है, जब आपका पहला सिग्नल कन्फर्म हो जाता है तो आपको कोड एक बार चेंज करके डाल देना है, फिर पूरे दिन वो खुद ही रिवर्स करता रहेगा, पूरे दिन खुद ही रिवर्स करता रहेगा, ठीक है ना। अभी भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख लेना, ये टूल है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल है। तो चीज़ें हो सकता है आपको अभी समझना है, लोगों को अभी आदत नहीं है एडवांस चीज़ें यूज़ करने की, तो आपको अगर समझना है आप 2-3 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है जी। अब हम वेट करते हैं सेल के सिग्नल का,
अभी तक सेल का सिग्नल नहीं आया और ये भी आएगा भी नहीं, जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगी नीचे को नहीं बन जाएगी मार्केट, जब तक सेल का सिग्नल नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो तो रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं कॉल वगैरह अटेंड कर लेता हूँ, देन जैसे सेल का सिग्नल आता है मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो सेल का सिग्नल अभी अगर ये कंफर्म हो जाता है तो हमारा अलर्ट्स आ जाएगा। हाँ, ये सेल का सिग्नल कंफर्म हो गया और हमारा अलर्ट्स आ गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा एक सेल का ऑर्डर लग भी गया, एक क्वांटिटी हमारी सेल हो गई। तो ये अब हमारा सेल हो गया है। अब सेल होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने फुल्ली ऑटोमेशन का कोड बनाया था कॉपी करा एंड इधर गए एंड इस जो सेल वाला सिग्नल हमने बनाया था, मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा साइड में कर दूँ, तो ये हमारा सेल वाला था, इसके अंदर इस कोड को डाल देना है। अब क्या होगा कि अब आप आराम से बैठ जाइए पूरे दिन ऑटोमेशन पे, खुद ही पुरानी ट्रेड को क्लोज करेगा, नई ट्रेड लेगा और जो आप कंडीशन मांग रहे थे कि भाई मुझे तो ब्रैकेट स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, टेक प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करता रहेगा। काफ़ी लोग इसको जो यूज़ करना चाहते हैं वो काफ़ी मतलब ऑप्शन फ्यूचर में भी कर सकते हैं, जो विदाउट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डालते हैं। तो अब हम वेट करते हैं बाय के सिग्नल का, जिससे हमें पता चले कि भाई जो इनने ये ट्रेड पकड़ी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ रेड कलर में MIS लिखा है और यहाँ रेड कलर में क्वांटिटी है, इसका मतलब होता है कि ये सेल हुआ है। अगर हम ऑर्डर के अंदर जाएंगे दिखेगा, हाँ ऑर्डर के अंदर भी दिख रहा है कि ये सेल हुआ है एंड पोजिशन के अंदर हमें ये पता चल रहा है अभी सेल हुआ है। तो जैसे अब बाय आएगा तो ये क्या करेगा, पुरानी पोजिशन को क्लोज करेगा और नई पोजिशन डाल देगा, जितनी भी हमने क्वांटिटी डाली उतनी क्वांटिटी के डाल देगा। बाकी अभी हमने बाय डिफॉल्ट जो डाली है वो वन क्वांटिटी डाली है क्योंकि मैं डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वेट करते हैं हम बाय सिग्नल के आने का, और जैसे ही बाय सिग्नल आता है फिर मैं आके आपको फिर से बताना शुरू करता हूँ। तो जब तक के लिए मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ और हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आप देख पा रहे हो कि हाँ अभी जो कैंडल है उसके अंदर बाय का सिग्नल बन रहा है, और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो यहाँ बाय का अलर्ट आ जाएगा। तो वेट करते हैं हम, अगर ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, पहले गैप हो गया तो अगली कैंडल आ गई है, उस कैंडल में तो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ये रीपेंट होता है सुपर ट्रेंड। तो हमने क्या कर रखा है, जब तक कैंडल क्लोज ना हो, और अगर जैसे कैंडल क्लोज होती है और सिग्नल वो बना हुआ है देन ही अलर्ट आए, तो इसे कहते हैं कन्फर्मेशन, मतलब जो रीपेंट होता है वो चीज़ यहाँ पर बग्स फिक्स हो जाता है। तो अभी फिर से बाय का सिग्नल बन रहा है और मुझे जो लग रहा है अभी ये लग रहा है कि हाँ ये बाय का सिग्नल गैप नहीं होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा रही है और हमने जो इनपुट रखा है जैसे ग्रीन कैंडल बनती है वैसे ही वो हो जाता है। तो बाय का सिग्नल आता है तो हमें क्या देखना है, आपको पता है ना, पुराना ऑर्डर कैंसिल और नया ऑर्डर डले, तो ये चीज़ होती है नहीं होती उसे देखते। तो ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा और यहाँ पर सेकंड चल रहे होते हैं, आप देखोगे 18 सेकंड रह गए। अगर 18 16 जो भी सेकंड रह गए उसके अंदर ये सिग्नल बना रहता है देन क्या होगा, देन ये बाय का अलर्ट्स आ जाएगा। तो ये फिर से गैप हो गया बाय का सिग्नल, तो इसी वजह से थोड़ा सा है ना, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों वीडियो बनाता हूँ, इंडिकेटर पे बनाता हूँ तो ये दिक्कत होती है सर, बैठे रहना पड़ता है सिग्नल के आने के लिए और वीडियो बन जाती है लंबी, बेमतलब में 15 मिनट की वीडियो बन गई, तो ये दिक्कत प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाता हूँ। अब ये नई कैंडल आई है बाय की और इसमें भी अगर कंफर्म होता है तो देखते हैं, जब तक सिग्नल कंफर्म नहीं होगा जब तक हमारी कंडीशन टिगर नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन के अंदर हमने ये चीज मेंशन कर रखी है कि भाई जब सिग्नल कंफर्म हो जब भी आपको सिग्नल भेजना है, अदरवाइज हमारी वो कंडीशन है ही नहीं, और नहीं तो हमारा ऑर्डर जाएगा ही नहीं। तो इस बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूँ, देखते हैं बाय का सिग्नल अगर बना रहता है तो मैं आता हूँ।
हेलो एवरीवन, काफ़ी देर बाद आप देख सकते हो एक बाय का सिग्नल बन रहा है, और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो हमारा फिर बाय का ऑर्डर आएगा, और फिर हम जो देखना चाहते हैं कि हाँ पुरानी पोजीशन क्लोज होगी और नई पोजीशन डलेगी विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टेक प्रॉफिट, इट्स बीन रेगुलर ऑर्डर, तो वो चीज़ का हम वेट कर रहे थे और देखते, और पहले ही गैप हो गया, फिर से हमारे साथ धोखा हुआ ये, एंड यहाँ सिग्नल बना ली, अब फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोर हो जाता हूँ इस तरीके की वीडियो बनाते बनाते, और मैं वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता इंडिकेटर के ऊपर। अब बताओ मैं कब तक बैठूँ इस इंडिकेटर के लिए। चलो आता हूँ जब ये सिग्नल आता है, जब मैं आपके पास आता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि दो बार मेरे साथ धोखा हुआ है कि बाय का सिग्नल बन रहा होता है और गैप हो जाता है, बट इस बार बन जाएगा जहाँ तक मुझे पता है, और इस बार भी धोखा होता है तो रोना आ जाएगा मुझे। एंड और हो गया धोखा, एंड बाय का सिग्नल नहीं बना, तो कहने का मतलब यही है कि अब हम अगली सिग्नल कैंडल के लिए बैठेंगे और देखते हैं क्या होता है। पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो, उसका पॉजिटिव हो जा होता है, एंड फिर हर बंदा सोचता है कि यार ये मेरे साथ ही होता है। ऐसा नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है, और जो चीज़ को जैसे होना वो वैसे ही होती है, बट अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जैसे कि आप बाय करते हो तो आपको लगता है जब मैं बाय करता हूँ मार्केट अपोजिट क्यों चली जाती है, क्योंकि आप सोच रहे हो उसे जाना ही अपोजिट है। वैसे अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि हाँ बाय का सिग्नल आए, मैं आपको दिखाऊँ तो बार बार गैप हो जा रहा है, एंड जब मैं इसको ट्रैक नहीं करूँगा तो बाय के सिग्नल जो भी आएंगे कन्फर्म बन जाएंगे। तो चलो ये साइकोलॉजी है, बट अभी हम देखते हैं। अब ये सिग्नल मेरे को कंफर्म पता है कि बाय का ही बनेगा, ये गैप नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बन गई है, और ये अगर बाय बनता है तो हमें क्या देखना था, हमें देखना था हमारा ऑर्डर पुराना जो है वो क्या होता है। हाँ ये बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हो अलर्ट्स आया। अब हम जीरोधा के अकाउंट पे गए तो ये देखिए, पुरानी ट्रेडिंग को उनने क्लोज करके नई ट्रेडिंग सॉरी पुरानी ट्रेड को उनने क्लोज करके नई ट्रेड डाल दी है, आप देख सकते हो। अब नहीं डाल दिए तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं थोड़ा सा ऑर्डर में जाके दिखा दूं आपको। ये देखिए, उनने पहले तो पुरानी ट्रेड जो थी हमारी सेल उसको बाय करा, तो बाय करने से क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ होगी, और अपनी एक नई पोजीशन बाय की डाल दी। ठीक है जी, बिल्कुल सही कर रहा है जैसे हम चाहते थे। अब मैंने क्या करा था, आपको थोड़ा सा पीछे जाओगे वीडियो में तो हमने क्या करा था, हमने जो सेल का सिग्नल था एक बार जब वो कंफर्म हो गया था उसके अंदर हमने ये वाला दोबारा से एडिट कोड डाल दिया था। अब क्या होगा, पूरे दिन ये क्या करता रहेगा, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पीसी भी बंद कर दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा, अपने आप रिवर्स होती रहेगी मेरी पोजीशन, एंड जो क्वांटिटी डालूंगा उसके हिसाब से रिवर्स होती रहेगी। डज नॉट मैटर कि हाँ कैसे चल रहा है, अब दुनिया में तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब मेरी पोजिशन रिवर्स होती रहेगी। तो इतफाक की बात है, सेल का भी सिग्नल बन जाएगा तो मैं एक बार रिवर्स पोजिशन पूरी कन्फर्म दिखा दूंगा। पर ये चीज जो मैंने दिखाई है, इसका बस एक ही ये डाउन पॉइंट है कि आपको जो फर्स्ट सिग्नल होता है उसे दोबारा एडिट करना होता है, और एक बार आपने एडिट कर दिया तो वो सुबह से शाम तक रिवर्स होता रहता है, विदाउट स्टॉप लॉस डाले, विदाउट टेक प्रॉफिट डाले। ये एक अल्टरनेटिव बताया मैंने आपको, ये उन लोगों के लिए बताया है जो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि सर हम स्टॉप लॉस डाल के काम नहीं करते, हम पूरा टेक प्रॉफिट लेते तो पूरा प्रॉफिट लेते, तो उनके ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। एंड एक बार हम थोड़ा सा और वेट करते, जहाँ इतना वेट कर लिया सेल का वेट करते, जिससे मैं आपको दिखा दूँ कि पुरानी पोजीशन बाय की क्लोज होगी और नई पोजीशन डलेगी। तो जैसे कि हम अगर पोजीशन में चलते हैं यहाँ पर, तो हमारी एक क्वांटिटी से पोजीशन चल रही है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब क्लियर कर ही रहा हूँ, कि जैसे कि आपको पता हमने एक क्वांटिटी से बाय करा, और जब सेल की बारी सॉरी एक क्वांटिटी से सेल करा, सर उस सेल का भी सिग्नल बन गया कन्फर्म। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर आए, यहाँ देखिए पुरानी पोजीशन क्लोज हुई बाय की और नई सॉरी पुरानी पोजीशन क्लोज हुई बाय की और नई पोजीशन सेल की डल गई, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हो सकता है मैंने कहीं कहीं कोई वर्ड गलत बोल दिया हो, पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना। एंड इसी तरीके से ये हमने जो मेथड दिखाई है, हमने सेल के अकॉर्डिंग दिखाया, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था वो सेल से स्टार्ट हो रहा था। अगर ये बाय से स्टार्ट होता तो हम क्या करते, जब अगर बाय से स्टार्ट होता तो हमें क्या करना होता, हमें जो पहला कोड था ओनली फॉर बाय का डालना होता,
फिर सेल का कोड में हमें दो कोड मल्टी कोड डालने होते हैं, फिर जब बाय का सिग्नल आ जाता तो बाय के कोड को फिर हमें एडिट करना होता है जैसे हमने अभी सेल के कोड को एडिट करा है। तो आई थिंक मैंने वीडियो तो बना दी है और काफी लंबी वीडियो बन गई है, हो सकता है काफी लोगों को समझ ही नहीं आएगी, 90% लोगों को समझ ही नहीं आएगी मैं जानता हूँ, क्योंकि 90% लोग जो है वो क्रिएटिव होते ही नहीं, 10% क्रिएटिव होंगे जिनको ये समझ में आएगी। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आप इसे बिना पूछे मेरे से करते हो तो हाँ आप क्रिएटिव हो। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, काफी इंटरेस्टिंग बातें करी हमने, ओके बाय।